तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? एक बार वो भी देख लेते हैं। सो इफ यू आर हैविंग योर एनसीईआरटी यू कैन ओपन इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड्स, ठीक है? देख लो बेटा, सेकंड चैप्टर है, एक ही चैप्टर आना है, उसमें भी पेज नंबर पूछ रहे हो। ओपन, चलिए लास्ट एक्सरसाइज कह रही हूं मैं, द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस क्वेश्चन चैप्टर। हाँ जी, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग? यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड्स। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सॉल्यूशन इन वॉटर, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वॉटर। लक्ष्य बोलिए, सो यू विल बी एम्प्लॉइंग विच टेक्निक? इवेपोरेशन। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। आंखें बंद करके लिख देना, जहां पर अमोनियम क्लोराइड आएगा बेंजीन एंथ्रासीन, ठीक है, और कैम्फर आयोडीन, ये चीजें आएंगी, आंखें बंद करके लिखना है सबलिमेशन। बिकॉज कार्बन डाइसल्फाइड small pieces of metal in the engine oil of the car, just raise your hand. small pieces of, acha ye ho gaya, different pigments from an extract of flower petals, Nitesh. different pigments from the extract of a flower, जसलीन. क्रोमैटोग्राफ, कलर सेपरेशन इज बाय क्रोमैटोग्राफ. बटर फ्रॉम कर्ड, फैट फ्रॉम कर्ड, फैट फ्रॉम कर्ड. चर्निंग नहीं आएगा, चर्निंग नहीं आएगा, सेंटिफिकेशन आएगा, चर्निंग नहीं आएगा, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ चर्निंग नहीं आएगा क्यों? और इतने से आने बच्चे हो आप कि आप मैम की बातें नहीं सुनते कि मैम ने करवाया हुआ है कि सेंटिफिकेशन का अदर नेम इज टर्निंग आल्सो। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऑप्शन की बात नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सेंटिफिकेशन के साथ टर्निंग आएगा कि नहीं। आप ऐसे गुम हो कि पता नहीं क्या मैम ने पूछ लिया। The other name of centrifugation technique is churning method also. तो churning लिखा है, centrifugation लिखा है, दोनों same चीज़ है। Oil from water, Divya. Tea leaves from tea. नित्या, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, योग है, वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, वंशिका, विनोइंग मेथड, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर,
है, फाइन मड पार्टिकल सेपरेट सस्पेंडेड इन वॉटर, बट दे आर नॉट कोलाइडर पार्टिकल्स। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड तो आप कोलाइडर पार्टिकल्स के लिए इंप्लॉय करते हो। ये क्लियरली कौन सा सॉल्यूशन है? फिल्ट्रेशन है, सस्पेंशन है। हाँ जी, क्लियर हो गया। देन राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। आपने चाय बनानी, कौन किस किस को आती है चाय बनानी? बड़े अच्छे बच्चे हैं। बेटा बेटा जस्ट रेज योर हैंड्स। मैं एक बात आपको पहले बोल चुकी हूँ, अगर ऐसे रेस्पॉन्स दोगे मैंने बाहर निकाल देना। एंड वेयर योर मास्क। अभी बुक नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, इतना सीधे हो जाओ। हाँ भी चलो अपनी सीट पे। When you will be requiring the book, I'll tell you. You have to use the words solution, solute, solvent, residue, filtrate, or क्या? Soluble and insoluble. ओके, सो चाय बनानी है। चाय में हमने नॉर्मल टर्म्स नहीं यूज करनी है, टी, शुगर, मिल्क। वी विल बी यूजिंग दीज टर्मिनोलॉजीज, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, रेसिड्यू, फिल्ट्रेट, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल एंड डिसॉल्व। ठीक है, चल युग स्टैंड अप, स्टार्ट मेकिंग टी। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? बैठो, बोलो जी। क्या सॉल्वेंट पहले? यू विल पुट सॉल्वेंट इन द पैन, दैट इज द वॉटर। देन सॉल्यूट इज द, यू विल बी एडिंग टी लीव्स इन टू द, टी लीव्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट विल बी एडेड इन द सॉल्वेंट। Okay, what do you have to dissolve? Sugar. Dissolve sugar into it? Yes. Then we will add milk. दूध के बिना ही, दूध दूध के बिना ही चाय बन गई। तो मिल्क इज ऑल्सो अ सॉल्यूट। हाँ जी, सॉल्यूट आएगा। Then milk as solute is added or is dissolved in the solvent. ठीक है, यहाँ पर milk, sugar जो है और tea जो है, they are acting as the solutes. Okay? अब हमने क्या बना लिया है? Solution. A solution of all these things, it is prepared now. Okay? So now we will be lefting with three terms. You will be filtering that tea. बेटा सारे बोल रहे हैं, रेजिड्यू क्या है? What is the residue? क्या है फिर? Filtrate. The prepared tea is your filtrate. Insoluble is? Thank God. बैठो। सारे बोलना शुरू हो जाते हैं, मैंने ना खड़े कर देना है और जो चुप रहेगा मैंने बस उसको बिठाना है। Okay, for the third question, you will be seeing a table is there.
The table, it contains 3-4 salts, potassium nitrate, sodium chloride, potassium chloride and ammonium chloride. इसमें चार salts दिए हुए हैं आपको और हर एक salt की आपको क्या दी हुई है, solubility, कि आप किस temperature पे कितना salt जो है वो dissolve कर सकते हो, ठीक है? For example, 283 Kelvin पे जैसे आप potassium nitrate 21 gram dissolve करवा सकते हो. अगर इससे ज्यादा dissolve करवाओगे तो कौन सा solution बन जाएगा? कौन बोला सुपर सैचुरेटेड? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनते कैसे हैं? तो सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं, तो हीट करने का कोई वो नहीं है, ट्रेंड नहीं है बेटा. सो द सॉल्यूशन विल बी बिकमिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, तो अगर लिमिट से ज्यादा उसमें सॉल्यूट है देन द सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो अभी आपको एग्जैक्ट वैल्यूज उन्होंने दी हुई हैं, जहां तक आप उसके बीच में जो सॉल्यूट है वो ऐड कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. पूछ रहे हैं आपसे कि पोटेशियम नाइट्रेट का क्या मास में मिक्स करूं ताकि उसमें से मैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करूं 50 ग्राम्स ऑफ वाटर के साथ. ऐड 313 केल्विन. साहिल बोलो. हाउ 31? अर्लियर ये जो आपको सॉल्युबिलिटीज की वैल्यूज गिवन है, दे आर गिवन इन दी 100 ग्राम्स, ठीक है जी? ये जो सॉल्युबिलिटीज की वैल्यूज हैं, आप अगर स्टेटमेंट पढ़ो तो उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 100 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर 100 ग्राम्स में 62 ग्राम जो है वो डिजोल्व कर रहा है तो 50 ग्राम में कितना डिजोल्व कर रहा है? प्रज्ञा में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन and leaves the solution to cool at room temperature. कौन सा solution बना है? Saturated solution. Saturated solution का मतलब क्या है कि इसमें solute जो है वो extra add हुआ हुआ है, ठीक है? तो वो कह रहे हैं जब वो उसको ठंडा कर देगी, what she will observe? जब क्यों बन जाएंगे? तो cooling से क्या होगा? You all have studied that solubility it increases with the temperature. पढ़ा हुआ है. अब saturated solution बनाया है, यानी कि extra amount of solute उसने धक्के से उसमें add करवाने की कोशिश की है by heating. जब वो solution cool हो जाएगा तो जो उसने extra add करवाया है वो क्या हो जाएगा? It will be separated out in the form of the crystal. क्योंकि temperature कम हो गया तो solubility भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ओके, सो टेम्परेचर इट डिक्रीजेस विद द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर, ठीक है? फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन. और इसमें से आपने बताना है कि सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है एट 293 केल्विन. यू कैन सी किसकी ज्यादा है? अमोनियम क्लोराइड. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. एक्सप्लेन बाय गिविंग द एग्जांपल्स. जस्ट रेज योर हैंड्स. सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जस्ट रेज योर हैंड्स. बस दो बच्चे. एक्सप्लेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय गिविंग सम एग्जांपल्स. अभी बताया भी है मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन. कोई नई टर्म थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं हम. हाँ जी अखिलेश. फर्स्टली व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? हाँ तो सैचुरेटेड है. वंशिका आटा at that temperature and that solvent, that amount of solvent also, ठीक है? अब इसमें से आपने पुराने टेबल में से बताओ
कि कौन सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बना सकते हैं. यू कैन टेक एनी सॉल्ट, कोई भी इसमें से सॉल्ट ले लो. सपोज आई एम टेकिंग सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं एट 293 केल्विन. अगर मैं इसमें 42 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाल देती हूँ एट 293 केल्विन, विल इट बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन और नॉट? क्यों? क्योंकि 30 कितना डिसॉल्व हो सकता है? 36 सिर्फ डिसॉल्व हो सकता है, और उसमें जो 42 है दैट विल बी द सैचुरेटेड वन. ठीक है, अगर मैं उसमें 42 ग्राम्स ऐड करूंगी तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. प्योर सब्सटेंस नित्या, प्योर सब्सटेंस. एनी एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस? आइस प्योर है, वाटर प्योर है, आपको एलिमेंट्स नहीं बताए हुए हैं? बैठिए. सो ऑल द एलिमेंट्स दे आर इंक्लूडेड इन द प्योर सब्सटेंस. तो कुछ भी आप ले सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम, दे ऑल आर द प्योर सब्सटेंस. कोलाइड, स्टार्च सॉल्यूशन और मिल्क और पेंट्स. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? कोलाइड. हाँ जी. सस्पेंशन इज मडी वाटर, चॉक वाटर, सैंड एंड वाटर. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? लाइम वाटर कहाँ से कोलाइडल है बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है. मेडिसिन देखी है आपने कभी लिक्विड वाले? वो नीचे बैठ जाती है ना. तो अगर तो वो पूरे सैचुरेटेड ले रहे हैं, यानी कि वो सस्पेंशन में जा रहा है, बट अगर आप उसको शेक करके एक कंपोनेंट बना रहे हो तो वो कोलाइड्स में. ठीक है, तो नॉर्मली आपकी मेडिसिन जो है वो नीचे बैठ जाती हैं, सेपरेट आउट हो जाती हैं, तो हम उनको फिर मिक्स कर लेते हैं. कोलाइडल है. मेडिसिन की एग्जांपल आपने पर्टिकुलरली कोलाइड्स में लिखी नहीं है फिर. अच्छा, नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर? वुड, वुड, सोडा वाटर, एयर, विनेगर, फिल्टर टी. वुड इज ओनली द हेटरोजेनियस कॉम्पोनेंट. ठीक है, बाकी सारे होमोजेनियस हैं. हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर? किसी चीज की प्योरिटी चेक करनी है, आपने कैसे चेक करोगे? आप हो गया आप सबका. यू विल बी चेकिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अगर तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, देन दैट मींस दैट इज अ प्योर वाटर. अगर नहीं आएगा तो इम्प्योर है. ठीक है, क्योंकि जो चीजें हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता है. ओके, जो प्योर सब्सटेंसेस है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस? आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है. मर्करी, दो चीजों को मिक्स तो कर दिया, वो तो कंपाउंड बन गया. प्योर कंपाउंड कौन से होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस में हम एलिमेंट्स को काउंट करते हैं. ब्रिक, वुड, एयर. आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस. सॉइल, सॉइल सॉल्यूशन है. सी वाटर, सोडा वाटर, एयर, एयर सॉल्यूशन है. कोल, कोल सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है?
जो चीजें पानी फॉर्म में, एक में सॉल्यूट है एक में सॉल्वेंट मिक्स्ड है, दैट आर सॉल्यूशंस। हाँ जी, कोल एलिमेंट में नहीं काउंट होगा, दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस, कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, इसमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं करेगा, क्यों? ट्रू सॉल्यूशन है और ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज छोटे होते हैं। मिल करेगा कॉपर सल्फेट, वाई अगेन ट्रू सॉल्यूशन। स्टार्ट सॉल्यूशन, यू हैव टू क्लासिफाई एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ठीक है। और मास्क पहन लो बेटा, सोडियम मास्क पहन ले, सॉइल मिक्सचर, शुगर सॉल्यूशन, एलिमेंट्स कंपाउंड्स या मिक्सचर में बताना। शुगर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर हूज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरिड। आप डाल सकते हो ना, पहले दो चम्मच डाले शुगर के, फिर तीन डाल दो, फिर चार डाल दो, ठीक है। सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोल, अभी बताया मैंने मिक्सचर, सोप, मिथेन, एलिमेंट नहीं है मिथेन, मिथेन इज अ कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंजेस बताने हैं? ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, कुकिंग ऑफ फूड, किसी चीज को बना दिया कुक कर दिया, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल, दे आर सेइंग बर्निंग है कैंडल की, दे आर नॉट सेइंग मेल्टिंग ऑफ वैक्स, दे आर सेइंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल, तो चीज बर्न कर गई है, दैट मींस दैट इज अल्टीमेटली अ केमिकल चेंज। मेटलॉइड है, देना बुक। Alloys, they are the mixture of metals and non-metals and it is a homogeneous mixture. जहां पर आप दो metals को या non-metals को mix करते हो और वो equally mix हो जाते हैं, ठीक है? For example, brass. Brass is a mixture of copper and zinc. ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि आपकी NCERT में specially mentioned है कि कितना copper है और कितना zinc है, ठीक है? तो तभी मैंने एक बारी NCERT book भी ली है, हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक है, 70% कॉपर है, रेशियो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। सब्सटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस? एनीथिंग, एनी स्टेट ऑफ मैटर, एनी काइंड ऑफ मैटर इज अ सब्सटेंस। डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स कर लोगे? मिल्क किस किस का मिक्सचर है? प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर का मिक्सचर है। टिंचर ऑफ आयोडीन में अल्कोहल इन आयोडीन, सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, याद रखना। एरिएटेड ड्रिंक्स में कौन सा ज्यादा है? वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? वेरी गुड। द टिंडल इफेक्ट इज नॉर्मली ऑब्जर्व्ड इन द कैनोपीज आल्सो, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं जहां पर एक बिल्कुल फाइन शार्प सनलाइट की बीम आती है, तो यहाँ पर जो है आपका सॉल्यूट क्या बनता है, डिस्पर्स्ड फेस क्या बनता है, मिस्ट, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उन पे जो है वो आपकी सनलाइट जो है वो क्या करेगी, स्कैटर करेगी, ओके।
एंड टिंडल इफेक्ट आपके घर में भी आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हो, डार्क रूम्स में देखते हो ना कि एक लाइट जब पास होती है तो उसमें जो फाइन एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, ब्राउनियन मोशन में. ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस हेटरोजेनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल्स. ठीक है, हाउ सोल, सोल मींस कोलाइड्स की बात कर रहे हैं. सोल्स किस में हम लेते हैं, कोलाइड्स में लेते हैं. तो उन्होंने बोला है कि हाउ सोल्स सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दैट मींस दे आर आस्किंग हाउ कोलाइड्स ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन. फाइंड इट्स टेंप कंसंट्रेशन. 36 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. बहुत अच्छा, दो बच्चे सॉल्व करते हैं, बाकी इधर उधर देखते हैं बस. थर्टी सिक्स ग्राम को 100 ग्राम का वाटर में डिसॉल्व किया. हाँ जी, कितना आंसर आया बेटा? थर्टी सिक्स को आपने डिवाइड करना है विद, हाँ 36 को आपने डिवाइड करना 136 के साथ. आंसर चेक कर लेना.